हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको महाबलीपुरम के ऐतिहासिक मंदिरों और जगहों का टूर कराने वाला हूं। तो इन जगहों पे एक्सेस के लिए सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन टिकट लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको QR कोड को स्कैन करके 35 रुपये पर हेड के हिसाब से पे करना होता है। 35 रुपये पे करने के बाद जो आपको टिकट मिलता है, उस टिकट से आप 3 जगहों के लिए एक्सेस कर पाते हैं। सबसे पहला है सोर टेम्पल, दूसरा है बटरबॉल और तीसरा है फाइव रथ। दोस्तों, सोर टेम्पल जो है ये पल्लव शासक राज सिंह के द्वारा बनाया गया था, 700 ईस्वी में बनाया गया था। ये मंदिर काफ़ी फेमस है क्योंकि इसे बिल्कुल ग्रेनाइट को काट करके ही बनाया गया, ग्रेनाइट के पत्थरों को काट करके बनाया गया यह मंदिर है और ये हमारे भारतीय ऐतिहासिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट जीवंत उदाहरण है। तो आप देखिए और इंजॉय कीजिए। दोस्तों, महाबलीपुरम में इन ऐतिहासिक मंदिरों और जगहों के अलावा एक बहुत ही खूबसूरत बीच भी है, जिसकी वजह से हमेशा से ही दर्शकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है। महाबलीपुरम बीच का मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। मंदिर परिसर में ये जो पानी दिख रहा है, ये समुद्री पानी है। इस गड्ढे को समुद्र के पानी के साथ इस तरह से कनेक्ट किया गया था कि सीमित मात्रा में पानी आए और उसे यूज किया जा सके। ये भारतीय पुरातन इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था, टिकट लेने के बाद आप 3 जगहों के लिए एक्सेस कर पाते हैं। पहला है सोर टेम्पल, जो कि आपने देख लिया, उसके बाद है बटरबॉल और तीसरा है फाइव रथ यानी पांडवों का रथ। लाइट हाउस और बटरबॉल के तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं तो रास्ते में एक से एक सुंदर मनमोहक मूर्तियां हमें मिलती हैं, जिसे पत्थरों को काटकर और घिस कर बनाया गया होता है। आप भी देखें और एंजॉय करें। अब हम जा रहे हैं लाइट हाउस की तरफ, जिसे पल्लव शासक महेंद्र वर्मन के द्वारा 628 ईस्वी में बनाया गया था। इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया भारत सरकार के द्वारा 1904 में। 2001 में इसे दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम के द्वारा एक थ्रेट दिया गया था कि इसे उड़ा दिया जाएगा। फिर से इसे दर्शकों के लिए खोल दिया गया 2011 में। तब से ये अभी तक ओपन है और दर्शकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। अब हम जा रहे हैं बटरबॉल के तरफ, जिसे श्री कृष्ण के मक्खन लड्डू भी कहे जाते हैं और इसकी खासियत ये है कि ये 45 डिग्री पर बिना किसी सपोर्ट के रुका हुआ है। अब हम पहुंच गए हैं फाइव रथ यानी कि पांडवों का रथ। यह एक मंदिर है जो पत्थरों को काटकर पूर्णतः भारतीय शैली में बनाया गया है। यह मंदिर लगभग 7वीं शताब्दी में पल्लव शासक राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। सोर टेम्पल की ही तरह फाइव रथ को भी यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित किया है और यह सब ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो आप देखें, आनंद लें, एंजॉय करें और अपने भारतीय पुरातन इतिहास पर गर्व करें। थैंक यू वेरी मच।